ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरु महाराज की कृपा से और ये अपन श्रीमद् वेदांत भागवत का दूसरा अध्याय दसवें स्कंद का ले रहे हैं। अब इस स्कंद में दो हिस्से हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो ये अभी पूर्वार्ध चल रहा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व की कथा है। जैसे पिछले पहले अध्याय में बताया कि देवकी को विदा करके वासुदेव ले जा रहे थे और कैसे करके आकाशवाणी हुई और कंस ने देवकी को मारना चाहा, वासुदेव ने उनको समझाया, वासुदेव ने उनको समझाया। ये तो बड़ा विचित्र हो गया। ये जो है देवकी के जो पतिदेव हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं, उन्हें समझाया कि आप इनको ना मारे, नारी को मारना ठीक नहीं होता, आपकी तो दुश्मनी बच्चों से है तो मैं आपको लाके दे दूं। ऊपर कंस ने को उन्होंने बच्चे लाके दिए और वो मारता गया, उसके पाप का घड़ा भरता गया। इस अध्याय में भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश और देवता उनकी जो स्तुति करते हैं हुआ है। जहां जहां भगवान की स्तुति हुई है वो पूरा का पूरा वेदांत है और जहां जहां भगवान की लीला है वो कथा है। तो कथा तो लीला है उनकी, भगवान की। और भगवान ने जो समझाया भक्तों को या भक्तों ने जो भगवान की स्तुति की है वो वेदांत है। तो जो बलवान कृष्ण था उसकी मगध का जो देश, मगध प्रदेश जरासंध है, उसकी मैत्री थी। और आजकल ये मगध देश बिहार कहलाता है। और कंस के राक्षसों की पूरी फौज जो है कंस के पास थी। इन राक्षसों में जो प्रमुख राक्षस हैं उनका नाम यहां आया है, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अधासुर, मुष्टिक, अरिष्टसुर, दिविद, पूतना, केशी, धनुक। इन सब राक्षसों को भगवान ने मारा। इसके साथ में उस समय बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा कंस की सहायता करने वाले थे, सहायक थे।
और इन सबको लेकर वो यदुवंशियों को नष्ट करने लगा, यादवों को नष्ट करने लगा। ये पहला और दूसरा श्लोक है। इससे यदुवंशी और अन्य सज्जन लोग भयभीत होकर और वहां से भागकर करु, पांचाल, कैकेय, सात्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में जाके बस गए। और यही कारण है कि आप भारतवर्ष के जिस प्रदेश में आप जाएंगे वहां आपको थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में यादव मिल जाएंगे। तीसरा श्लोक। और कुछ लोगों ने क्या किया, कि अपने मन को मारकर और स्वाभिमान को गिराकर कंस की सेवा में लग गए। जैसे आजकल सनातन धर्म को मानने वाले कुछ लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में, मुस्लिम देशों में अपने आत्मसम्मान से समझौता करके जी रहे हैं। तो उसी बिल्कुल वैसी स्थिति उस समय भी थी कि कंस राक्षस था और सज्जनों को ऐसे ही समझौता करके जीना पड़ता था। तो देवकी और वसुदेव, इनके छह बालक, छह पुत्रों को कंस ने मार दिया और सातवें रूप में भगवान के अंश रूप में शेषनाग जी, अनंत जी, शंकरषण जी पधारे। देवकी को भय हुआ कि कंस का बार इस पर भी हो जाएगा, लेकिन कंस का नाश स्मरण करके और भगवान के आने की प्रसन्नता से देवकी को हर्ष भी हुआ। स्वाभाविक रूप से भगवान ने योग माया को आदेश दिया, उन्होंने वह गर्भ वहां से रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया। इसलिए बलराम जी को रोहिणी का भी पुत्र कहते हैं और वो वास्तव में देवकी के पुत्रों में भी उनकी गणना की जाती है। योग माया को यशोदा के गर्भ से जन्म लेने का भगवान ने आदेश दिया, मुंह मांगे वरदान देने का सामर्थ्य तथा पृथ्वी पर दुर्गा, काली, विजया, वैष्णवी, कुमदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि नामों से पूजे जाने का योग माया को भगवान ने वरदान दिया। ये जितनी भी माताएं हैं, देवियां हैं, ये भगवान की योग माया है। इसलिए भगवान और भगवान की योग माया वैसी ही है जैसे सूरज और सूरज का प्रकाश। इसलिए इन सब को जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान के रूप में ही देखते हैं। इसलिए कभी कभार आपने देखा होगा, मैं भगवान माता जी को राधे 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 क्यों करता रहता हूँ, इसलिए करता रहता हूँ कि जो भगवान की जितनी भी योग माया है वो भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण बलराम जी संकर्षण के नाम से भी कहलाए और बलभद्र के नाम से भी कहलाए। ये तेरहवा श्लोक है। बिचारी देवकी ने समझा कि उसका गर्भ नष्ट हो गया, एबॉर्शन हो गया, ऐसा उसने समझा। ये 15वां श्लोक।
भगवान भक्तों को भय से रहित करने वाले हैं, भगवान भक्तों को अभय करने वाले। भगवान के भक्तों को किसी तरह का कोई भी डर नहीं रहता, और जो डर रहता है वो फिर भगवान का पक्का भगत नहीं, कच्चा भगत होता है। क्योंकि भगवान तो हर जगह मौजूद है, सर्वत्र है। कहते ना कि करूं किस भांति आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापी हो, बुलाऊं क्या तुम्हें भगवन कि तुम मेरा ही जीवन हो। चरण तेरे जहां मैं शीश झुकाऊं है वहीं भगवन, तुम ही प्रीतम हमारे हो, तुम ही जीवन हमारे हो, तुम ही हो राम हो, तुम ही मेरे कृष्ण प्यारे हो, तुम ही राधा तुम ही जग में समाए हो, सभी सभी में हो। तो भगवान जो है वो सब में है, इसलिए भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ये आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी से बढ़ के भगवान का कोई सच्चा भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ने तो भरे हुए जगत में भगवान को जाना। इसलिए भगवान को कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारी तरह आते जाते नहीं, आवागमन नहीं है भगवान में। इसलिए वे वसुदेव के मन में समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। ये 16वां श्लोक है। उनके विद्यमान रहने पर भी अपने को उन्होंने अव्यक्त से व्यक्त कर दिया, जैसे पानी की भाप हर जगह विद्यमान तो रहती है, लेकिन अगर आप बर्फ से भरा गिलास रख दो तो बर्फ गिलास के बाहर वो पानी की भाप आके जम जाती है। आपने देखा होगा फ्रीजर में, फ्रिज में पीछे सफेद सफेद रंग से पानी की बर्फ जम जाता है, पानी जम जाता है। पानी तो हर जगह, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आने पर वो दिखता दिख जाता है, और विशेष परिस्थिति ना हो तो वो नहीं दिखता। ऐसे भगवान हर जगह होने के बाद भी उन्होंने अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया, और जब भगवान अव्यक्त से व्यक्त होते हैं तो भगवान का वो सगुण रूप होता है, और जब भगवान अव्यक्त नहीं होते वो निर्गुण। कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, जानत बुध पुराण जानत सुति पुराण बुध भेदा। भगवान ज्योतिष नाम तो ज्योति हैं, भगवान ज्योतियों के ज्योति हैं, प्रकाश के प्रकाश से सूरज की रोशनी उनके सामने छाया के समान मध्य में। भगवान वसुदेव के मन में समस्त कलाओं के साथ प्रकट जब हुए, भगवान को ज्योति के रूप में धारण करने से वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। लेकिन ये जो तेज होता है ये सांसारिक मूर्खों को दिखाई नहीं देता, जैसे सदगुरु का तेज केवल शिष्य को दिखाई देता है। सदगुरु के आध्यात्मिक तेज को, दिव्य तेज को केवल वो जिज्ञासु देख सकता है जिसको परमात्मा की ओर जाना है।
जैसे दुनिया में अब बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन जिसको जो चीज चाहिए वो उसको दिखाई देती है, दूसरे को नहीं दिखाई देती। कोई भूखा नहीं है तो उसको होटल दिखाई नहीं देगा, होटल के पास से गुजर जाएगा, भोजनालय के पास से गुजर जाएगा। कोई प्यासा नहीं है तो उस समय उसको पानी दिखाई नहीं देगा, पानी रखा है लेकिन वो नहीं पिएगा। ऐसे सदगुरु है लेकिन जिसको प्यास नहीं है परमात्मा तक जाने की, वो उसको सदगुरु नहीं दिखाई देगा, सदगुरु से उसको कोई लेना देना नहीं। ऐसे वो सूर्य के समान जब तेजस्वी हो गए तो जो लोग जानते थे उन देखते उनकी आंखें चुंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल वाणी और प्रभाव से उनको दबा नहीं सकता था। लोग ये बड़ी गलतफहमी रहते हैं कि कोई सोचता है कि ज्ञानी को हम भयभीत कर लेंगे, दबा लेंगे, हमारी बात ज्ञानी से मनवा लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है ना तो ज्ञानी को कोई डरा सकता ना दबा सकता। यही कारण है कि इस जगत में जो ज्ञानी होते हैं आपको अक्खड़ मालूम पड़ते हैं, जिद्दी मालूम पड़ते हैं, रिजिड मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वो आपके अनुसार चल नहीं पाते, चल नहीं सकते और चलना भी नहीं चाहते। ये 17वां श्लोक है। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने उसको ग्रहण कर लिया। शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। अब वो इस बात में थोड़ा समझने जैसी बात है, क्योंकि भगवान तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ये जो ज्योतिर्मय बात चल रही है, जो दिव्य बात चल रही है, ये सृष्टि के किसी एक नहीं बल्कि पता नहीं कौन सा अज्ञात स्थान था, वहां से भगवान के प्रकट होने के परमाणु आए और कृष्ण भगवान की देह निर्मित की, यानी देह में न रहकर भी, विदेह होकर भी और अजन्मा होकर भी ऐसा नाटक हुआ कि भगवान का जैसे जन्म हुआ हो। इसको हम लोग कहते हैं भगवान वहां प्रकट हुए। तो प्रकट होने के लिए जो तुम लोग देख सको आंख से, नाक से सूंघ सको, कान से सुन सको, हाथ से छू सको, ऐसा देह प्रकृति ने बहुत कीमती परमाणुओं से, न जाने कहां से आए हुए अत्यंत सृष्टि के नंबर वन परमाणु वहां इकट्ठे हुए और उससे देवकी के गर्भ में भगवान का निर्माण, भगवान के उस देह का निर्माण हुआ। वास्तव में भगवान देह में होकर भी विदेह हैं, भगवान को के उस आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। 18वां श्लोक। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, सारा जगत उनमें रहता है, लेकिन देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, जैसे घड़े के अंदर बंद दीपक के समान। भगवान ने अपना प्रभाव छुपा लिया और मुख की तृप्ति भरी मुस्कान और आंख से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। भगवान प्रकट हो, कंस मणिमन समझ गया कि विष्णु गर्भ में आ गया है। 20वां कंस ने सोचा कि यदि मैं इसे मार दूं तो मेरी कीर्ति लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है और नरक ही पाता है और वहां नरक में ही रह रहा है। जब क्रूर आदमी रहता है वो नरक में ही रहता है, क्रूरता ही नरक है। तो कंस ने इंतजार किया, प्रतीक्षा की कि ये जन्म ले तो फिर मारूं मैं इसको। भगवान के प्रभाव से उसे थोड़ी सी सद्बुद्धि आ गई। वह अपने हट और बैर भाव के कारण जब उठता बैठता सब समय कृष्ण का भय के रूप में चिंतन करने लगा। उसको थोड़ा सा भी खड़का होता, थोड़ा सा कोई पत्ता भी खड़कता तो वो चौंक जाता, उसको लगता कि जैसे कृष्ण आ गए।
जगत पूरा उसको भय के कारण कष्ट में देखने लगा। ये 24वां श्लोक है। भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद आदि कंस के उस कैद खाने में, उस कारागार में आकर भगवान की स्तुति करने लगे। और ये भगवान की जो स्तुति है यही वेदांत है। और इसको ही अगर आप जान लो तो आपका जीवन परमात्मा में समा सकता है, आप मुक्त हो सकते हो। कहते हैं वो कि सत्य संकल्प प्रभो, यानी दुनिया में अगर कहीं कोई संकल्प सत्य है तो परमात्मा का है और किसी का नहीं है। कहते हैं इसको सरल शब्दों में गुरु नानक कहते हैं, तेरी मर्जी पूर्ण हो, जो तू चाहे वो मैं चाहता हूं। तो उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति सभी असत्य अवस्थाओं में अगर कोई एक सत्य है तो एकमात्र आप ही सत्य हो। पांच तत्व जो दिखते हैं, उनकी जो दृश्यमानता है वो आपके कारण ही दिखते हैं। आप ना हो तो कोई पांच तत्व दिख नहीं सकते। मुर्दा नहीं देख सकता, मुर्दा सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता। आप इस दृश्यमान जगत में जो हमें जगत जितना सारा दिखता है, अगर कोई इस जगत में कल्याणकारी तत्व है, परम अर्थ तत्व है, जिसको जानकर ये जगत भी विलीन हो जाए और सारा प्रपंच नष्ट हो जाए, जैसे कोई आदमी को भ्रम हो जाए और भ्रम टूटने पर वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, ऐसे ही आप ही जगत के एकमात्र परमार्थ रूप है। हम सब आपके शरण में है। भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद आदि बहुत सारे महान, सृष्टि के महान लोग आकर एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हम आपके शरण में। कृष्णम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। अमृतम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि। ऐसे यह संसार क्या है? यह संसार एक सदा सदा से सनातन वृक्ष है। इस सारे संसार में परमात्मा सना हुआ है, जिसे ओत प्रोत है आत्म भाई। जो तट जो पट में रहो तंतु समाई, जैसे मिट्टी के कई खिलौने होते हैं लेकिन सब में मिट्टी होती है, ऐसे इस जगत में जितने भी आकार हैं सब में वही तत्व सना हुआ है। ये संसार एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय केवल एक है, यह परमात्मा के प्रकृति नामक आश्रय पर आश्रित यह वृक्ष है। इसके दो फल हैं, कभी सुख देता है कभी दुख देता है। वृक्ष के उदाहरण से वेदांत समझा रहे हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसकी तीन जड़ें हैं, एक सत्व है, एक रज है और एक तम है। इसमें चार रस हैं। इस वृक्ष में एक अर्थ है, एक धर्म है, काम है और मोक्ष है। इस वृक्ष का अनुभव पांच प्रकार से होता है।
स्रोत यानी कानों से, त्वचा यानी शरीर के स्किन से, नेत्र यानी आंखों से, रसना यानी जिह्वा से और नासिका यानी नाक से। ये पांच प्रकार से इसको जाना जाता है, इसको अनुभव होता है। इस संसार वृक्ष के छह स्वभाव हैं। पहला तो पैदा होना, दूसरा रहना, तीसरा बढ़ना, चौथा बदलना, पांचवा घटना और छठवा नष्ट होना। बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़े दिन रहता है, फिर बढ़ता है, वृद्धि करता है, युवा हो जाता है। बच्चा था, शिशु था, तब कुछ और था, बालक हुआ तो थोड़ा बदल गया, किशोर हुआ तो और बदल गया, जवान हुआ तो और बदल गया, जवान होने के बाद जब अधेड़ हुआ तो और बदल गया, बुढ़ा हुआ तो और ज्यादा बदल गया, और बुढ़ा हुआ तो धीरे धीरे वो घटने लगा, उसकी चीजें कमजोर होने लगी, जोड़ कमजोर होने लगे, आलती पालती मार के बैठ नहीं सकता था, अब उसके घुटनों में दर्द है, घुटनों के बल नहीं बैठ सकता, घटने लगा, दांत थे वो भी चले गए, भोजन पचाने की शक्ति थी वो भी चली गई, नसों में जो ताकत थी वो भी चली गई, नाड़ियों में जो प्राण की शक्ति थी वो भी चली गई, आंखों में ठीक से देखने की शक्ति थी वो भी जाने लगी, नाक में जो सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी थी वो भी जाने लगी, कान भी बहरे होने लगे। इस सब को कहते हैं घटना। और आखिरी है स्वभाव, आखिरी स्वभाव है नष्ट होना। फिर एक दिन आया तो शरीर नष्ट होने लगा, नष्ट होगा, मृत्यु। इसमें, इस वृक्ष में सात प्रकार की छाल हैं, यानी डर्मिस हैं, यानी वृक्ष के बाहर जो छाल होती है, आवरण होता है वो है। पहला आवरण इसका रस है, दूसरा इसमें रुधिर है, रक्त है, तीसरा इसमें मांस है, चौथा इसमें मेद है, पांचवा इसका अस्थि है, छठवा इसकी मज्जा है और सातवा इसका शुक्र अथवा वीर्य है। इस वृक्ष में आठ शाखाएं, ब्रांचेज हैं। इसमें पांच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच इसकी महाभूत, छठा मन, सातवा बुद्धि और आठवा अहंकार, ये आठ इसकी शाखाएं, ब्रांचेस है। इसमें वृक्ष में जैसे वृक्ष के अंदर एक पोले क्वार्टर होते हैं, जिन क्वार्टर में कभी कभी पक्षी अपना निवास स्थान बना देते हैं, तोते इत्यादि रहने लग जाते हैं, ऐसे इसमें वृक्ष में मुख आदि जो नौ दरवाजे हैं, दो आंख के, दो कान के, एक मुंह, पांच, एक उपस्थ छह, एक गुदा सात, दो नासिका के नौ, ये दरवाजे। एक दरवाजा बंद है, वो ब्रह्मरंध्र है, ये इसके खोडर है, यानी खोडर यानी इसमें
ये छोटे छोटे स्थान है जहां पर पक्षी इत्यादि अपना घोंसला बनाते हैं, और 10 प्रकार के जो प्राण हैं ये इसके पत्ते हैं। प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म क्रंकल धनंजय और देवदत्त, ये 10 प्राण इस वृक्ष के पत्ते हैं। ये एक रूपक है, एक उपमा है, एक उदाहरण है, समझने के लिए आप अगर समझ सके तो ये वेदांत है। इस वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, एक तो जीव और एक ईश्वर। दो जीव जो है वो करता है और ईश्वर जो है वो साक्षी है। 27 वर्ष इसी बात से प्रेरणा लेकर कबीर साहब ने जो भजन लिखा था, एक डाल 2 पक्षी बोले, इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति के आधार पर यह संसार उत्पत्ति जिस आधार पर यह संसार बना है, हे प्रभु दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ, बस आप ही इसके आधार हैं। तभी हम भजन गाते हैं, एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। जब तक तुम न मिलो इस जीवन में, शांति कहां आ सकती मन में, खोज मरा संसार सतगुरु एक तुम ही आधा। इस संसार वृक्ष के चूंकि आप ही आधार हो, इसलिए आप में ही यह संसार वृक्ष उगता है, आप में ही यह बढ़ता है, और आप में ही इस संसार वृक्ष का प्रलय हो जाता है। और जब तक आप इसकी उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, इस संसार वृक्ष का बीज ब्रह्मा बन जाता है। जब यह बढ़ता है तो विष्णु होकर बढ़ता है। अब यह संसार जब नष्ट होता है तो शिव रूप में रुद्र रूप में इसको नष्ट हो जाता है, रुद्र में जाकर समझ जाता है। जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, ढका है, जो इस सत्य को नहीं जानता, जो इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, जो तत्व ज्ञानी नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञानी पुरुष ही सब में आपके रूप का आपका ही दर्शन करते हैं। 18वां श्लोक है, आप आत्म ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आपका विशुद्ध अप्राकृतिक सत्य सत्व रूप संत पुरुषों को बहुत सुखकारी है। ये गीता से बात मिलती है, ये 19वां श्लोक है। हे कमल नयन, हे अनुग्रह से भरे नेत्रों वाले प्रभो, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थ और प्राणियों के आश्रय इस रूप को जानने के लिए अपना जीवन अपना चित्त सब कुछ आप में लगा पाते हैं, अन्यथा बाकी संसार में भटक जाते हैं। आपके चरण कमल, आपके चरण कमल संसार सागर को पार करने हेतु ये जहाज के समान है। और ये चरण कमल क्या है, ये आपके चरण है, नहीं स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है, साक्षी ध्यान भान जागरण और परम जागरण। जो लोग आपके इन चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो संत कहलाते हैं, और संतों ने इन्हें पार किया है संसार आपके चरण कमलों की कृपा से। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाऊं कहां तजीश चरण तुम्हारे,
को तुम सो है दीन बंधु और कि नहीं दीन अति प्यारे। इसीलिए विभीषण कहते हैं कि जिन चरणों की पादुका भरत लिए मन लाए, तिन चरण चरण ही बिलो की हूं आज स्वयं जाए। इसलिए भगवान भरत आपके चरण कमलों की पादुका ले जाके संतुष्ट हो जाते हैं कि आपके चरणों का चरण कमलों की कोई बराबरी नहीं। इसलिए फिल्म में एक गीत था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको थोड़ा बदला। उसमें था कि एहसान तेरा हो गा मुझ पर, एहसान तेरा हो गा मुझ पर, मुझे पलकों की छाँव में रहने दे, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दे। ये मैंने बदल के ऐसे बोला, एहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझे चरणों की छाँव में रहने दे, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है सदगुरु, चरणों की छाँव में रहने दे, एहसान तेरा हो गा मुझ पर। भगवान के चरण कमलों को छोड़कर भला कोई कहां जा सकता है? अगर वो जाना भी चाहे तो मूड पागल हो के कहीं चला जाए तो चला जाए, लेकिन भगवान के चरण कमल हमेशा ज्ञानियों, भक्तों, प्रेमियों के स्वर्ण स्थल हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए कहते हैं सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच सच ये मैं कहता हूँ, तकदीर बदल जाए। भगवान के चरणों की धूल अगर मिल जाए तो किस्मत बदल सकती है, और यदि किसी को पूरा का पूरा भगवान मिल जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो फिर क्या नहीं हो सकता। फिर कुछ मिलने को बचता नहीं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदना करते हुए, दंडवत करते हुए, ये हर मास का सिर झुकाते हुए, इस
वेदांत भागवत में भगवान के गुणानुवाद गाते हुए अपना जीवन सफल कर रहे हैं, जन्म सफल कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं भगवान, आपके चरण कमल संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। गुरु नानक कहते हैं सतगुरु नाम जहाज है, बहुत प्रसिद्ध वचन है गुरु नानक का। भगवान का प्रेम इतना ज्यादा ताकतवर होता है, वो अपने प्रेमियों की आंखों में से आंसू बन के बरसने लगता है। कभी उनके प्रेमी हंसने लगते हैं, कभी उनके प्रेमी रोने लगते हैं, कभी उनके प्रेमी भाव विभोर होकर गाने लगते हैं, कभी उनके प्रेमी भाव विभोर होकर नाचने लगते हैं। और ये सब कुछ यदि सच्चे हृदय से वास्तव में प्रेम से हो रहा है तो ये भक्ति कहलाता है। ये दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरे भक्तों का दीवानापन है, ये मेरी मीरा का दीवानापन है, ये भक्त प्रहलाद का दीवानापन है। उनकी कथा में भी बिल्कुल ऐसा है, कभी वो नाचने लगते थे, कभी वो गाने लगते थे। भक्त ध्रुव का दीवानापन, ये भगवान हनुमान जी का दीवानापन है, कभी वो गाने लगते हैं, कभी वो नाचने लगते हैं, कभी भगवान के प्रेम में रोने लगते हैं। ज्ञानी होने के बाद, ज्ञानी होने का मतलब पत्थर हो जाना नहीं है, और शरीर के तल पर तो ऐसा ही हो सकता है। जब तक ये शरीर है तो ऐसे भाव में व्यक्त होता है, जब शरीर नहीं है तो फिर वो अव्यक्त हो जाता है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना यह हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कन्हैया। तू तो सुन ही रहा होगा, कोई सुने ना सुने, क्योंकि तू सबके हृदय में रह के सबको सुनता है। तू तो जानता है ना कन्हैया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, और आज से नहीं, जब से मैंने आंखें खोली है तब से मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। ज्ञान होने के पहले भी मैं तुझसे कितना प्यार करता, मेरी मां भी तुझसे कितना प्यार करती थी, तू जानता। अब तू जानो तेरा काम, जान मैं तेरा काम करता हूं, तू तेरा काम कर, बस मैं इतना जानता हूं, मैं तेरा काम करता हूं, तू तेरा काम कर। और तेरा काम भक्तों के को संभालना है, और मेरा काम तेरे लिए रोना है। तू तेरा काम करता है उसमें कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन मैं मेरा काम करता हूं उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि मैं इस देह में रहता हूं। तू विदेह है इसलिए तुझसे कोई गलती नहीं होती। भरत कहते हैं,
भरत कहते हैं कि मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोस्त सब नहीं। वो ऐसा मालिक है उससे कभी कोई गलती नहीं होती, वो सुस्वामी अच्छा स्वामी, लेकिन अगर कोई दोष हो सकता है तो वो मुझ में हो सकता है। भगवत कहते हैं हे परमात्मा, तू तो सब जानता है, तुझसे क्या कहें, शब्द से क्या कहें। तो बात वहां से चल रही थी कि आपके चरण कमल संसार को पार करने के लिए जहाज है और संतों ने पार किया है, ये 20वां श्लोक है। परम प्रकाश भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे भले ही अपने को मुक्त मान लें पर वो झूठ मूठ के मुक्त हैं। इसलिए ज्ञानी की यह पहचान भी है कि ज्ञानी प्रेमी भी होता है। जो लोग शिवोहम बोलते हैं उनको संप्रदाय को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो वेदांत के, वेदांत को भी मद की तरह उपयोग में लाने लगे, वेदांत को वो पत्थर समझ के, नुकीला पत्थर समझ के लोगों के सिर को फोड़ने लगे, जबकि वेदांत तो कन्हैया की माखन और मिश्री है। मैं अभी बीच में एक घटना आपको बताता हूं। इंदौर में एक मठ है, वहां अभी सिंहस्थ के कारण बहुत सारे साधु आए थे और मैं किसी कार्यक्रम में वहां पास से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बहुत सारे साधु संत सिंहस्थ के कारण यहां आए हैं, और उस मठ का जो मठाधीश था वो मेरा पुराना मित्र था। मैं वहां चला गया तो मठाधीश तो कहीं किसी को लेने एयरपोर्ट पर गया हुआ था, वहां जो साधु संत बैठे हुए थे तथा कथित साधु संत, उनने मुझसे पूछा आप किस संप्रदाय के हो, तो मैंने कहा मैं तो किसी भी संप्रदाय का नहीं हूं, सारे संप्रदाय मेरे हैं और मैं सबका हूं। वो अपने सीमित दायरे में होने की वजह से मुझसे कहने लगे ये तो मनमुखी मालूम होते। मैं अंदर से हंसा, बस ऐसी स्थिति इस भागवत में यहां है कि जो लोग भगवान के चरण कमलों का की शरण नहीं लेते, आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने आप को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं। वे चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए वो वहां से गिर जाते हैं। 32वां श्लोक के भागवत कह रही है तुम मंडलेश्वर बन जाओ चाहे तुम महामंडलेश्वर बन जाओ, चाहे दुनिया के सारे संत तुम्हारे चरणों की वंदना करें, लेकिन ये मुक्ति मुक्ति नहीं। ऐसे तो कई लोग आ गए, कंस की भी वंदना करने लगे थे लोग शक्ति की वजह से, क्या कर सकते हैं रहना है वो। रावण के भी लोग वंदना करने लगे थे, हिरण्यकश्यप के भी लोग वंदना करने लगे थे। इसलिए धार्मिक व्यभिचार न फैले, लोग भगवान के मार्ग से पर ना जाकर दूसरी पगडंडियों पर ना चले जाए जहां से नरक का रास्ता है। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये वेदांत भागवत लिखाई है आप लोगों के लिए, इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं कि भक्त ज्ञानाभिमानियों की तरह साधन मार्ग से गिरते नहीं, क्योंकि भक्तों के आप रक्षक हैं। वे बड़े से बड़े विघ्नों को पार कर जाते हैं आसानी से, ऐसा होता है ना कि गौपद
गरल सुधारिपु करहि मिताई गौपद सिंधु अनल शीतलाई। और राम कृपा करी चितवा जाहि। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए संसार के समस्त सागर इतने छोटे हो जाते हैं जैसे गाय के खुर हो। गाय के खुर का जो निशान बन जाता है जमीन में, उसमें जो पानी भर जाता है, इतने छोटे हो जाते हैं। जहर अमृत बन जाता है जिससे मीरा के लिए बन गया, शंकर भगवान के लिए बन गया। जहर अमृत हो जाता है, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। आग उसके लिए ठंडी हो जाती है जैसे प्रहलाद के लिए हो गया। समुद्र छोटे हो जाते जैसे हनुमान जी के लिए हो गया। भगवान की कृपा में बहुत ताकत है। तो विश्व कल्याण हेतु आप विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं, यानी आप शरीर रूप में आते हैं। आपका रूप समस्त आराधनाओं से का आश्रय है। प्रभु आप सबके विधाता हैं, मतलब सबका बस आप पर ही आसक्त है। प्रभु यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान फिर किसी को भी नहीं हो, फिर आत्मज्ञान किसी को भी नहीं हो। गुणों के प्रकाशक जिनसे कारण गुण है, गुण के कारण वो नहीं। प्रवृत्तियों से आपके स्वरूप को केवल अनुमान ही लगा सकते हो, जान नहीं सकते। वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, वह तो आपकी कृपा से होता है। देखो भागवत बिल्कुल सत्य कह, अगर तुम साक्षात्कार करना चाहते हो तो वो तुम्हारे कुछ करने से ना होगा, वो तो तुम्हारे को गुरु महाराज की कृपा से ही होगा। और गुरु महाराज के अंदर भगवान बसते हैं, इसलिए भगवान की कृपा से होगा। मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान होता है, मतलब केवल गैस लगाते, असेसमेंट होता है, सही नहीं होता है। उसके द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता मन बुद्धि के द्वारा और वेदों की वाणी के द्वारा। देखो ये वेदांत है और ये ऐसा का ऐसा सारे ग्रंथों में आया है, क्योंकि आप उनके द्वारा देखे नहीं जा सकते, दृश्य नहीं है, क्योंकि आप उनको देखते हुए आपको नहीं देख सकते। आंख परमात्मा को नहीं देख सकती है, परमात्मा आपको देख सकता है, क्योंकि आप सबके साक्षी हैं। स्पष्ट रूप से साक्षी की बात आ गई। यदि आप भी साक्षी का ध्यान करें तो आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता, आपके गुण और कर्म के द्वारा आपको नहीं प्रकट नहीं किया जा सकता, आपको जाना नहीं जा सकता, आपको वर्णन आपका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही, अब स्थूल बात आप निश्चिंत रहे। भागवत में लिखा है कि पृथ्वी आपका चरण कमल है, तो बिल्कुल है, और अपन भगवान के चरणों में रह रहे, जी रहे भगवान के। इसलिए समझदार लोग जब सुबह उठते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान का चरण है। आप अजन्मा हैं, आप जन्म नहीं लेते, द्वैत का लेश मात्र भी रहे थे, क्योंकि आप अकेले इस जगत में, आपका कोई दूसरा साथी नहीं। सर्वाधिष्ठान रूप है। देखो हम गुरु मंत्र देते हैं तो यही तो कहते हैं, ओम सर्वाधिष्ठान, है ना, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान, यही तो कहते हैं अपन। तो आप सबका अधिष्ठान है, आपका अधिष्ठान कोई नहीं। अब भगवान, अब ब्रह्मा विष्णु महेश देवकी से कह रहे हैं, माता जी आप परम सौभाग्यशाली है। कहते ना कि धन्य धन्य है जननी तुम्हारी, माता तुम ही को है बलिहारी,
गुरु को दे कर जानमा भूली रंजो आलम सुख पाना। दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाना, नित उठ कर सजन सत गुरु के चरण सिर झुकाना। दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाना, एक भजन हम गाते हैं आश्रम में। तो माता जी, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके कोख में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान और बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। आप कण से तनिक भी मत डरिए, वो थोड़े दिन का मेहमान है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का रूप यह है इस प्रकार निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, अतः सब अपनी अपनी मति के अनुसार स्तुति कर कर चले गए। तुलसीदास जी ने कहा, मति अनुसार राम गुण गावें। मति निश्चल दास जी ने कहा, मति न लख है जही मति लख है सो मैं शुद्ध अपार। वो शुद्ध परमात्मा सच्चिदानंद आप सबसे प्रसन्न हो, आप सब पर कृपा करें, आप सबको आत्म ज्ञान कराए। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि प्यारे बच्चों, मैं एक साक्षी का ध्यान सिखाता हूं, उसको आप सीख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आप तनाव रहित हो जाएंगे, तनाव से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। उससे आप मानसिक बीमारियों से, अवसाद से, भय से, फोबिया से, मेनिया से मुक्त हो जाएंगे। आपको अस्पतालों में खर्च नहीं करना पड़ेगा, बेकार आपका धन बर्बाद नहीं होगा, बेकार आपका शरीर नहीं चिरेगा, बेकार आपको ऑपरेशन नहीं कराना। चिंता मत करो, भगवान के प्रेम में जो डूब गए उसका हार्ट डिजीज भी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, क्योंकि तनाव ही नहीं रहा तो तनाव से होने वाली बीमारी कैसे होगी। पागलपन तक ठीक हो जाता है, क्योंकि वो पागलपन जब इतना बड़ा पागलपन परमात्मा के प्रेम का है तो छोटा मोटा पागलपन लगता कहां है। शराबी की शराब छूट जाती है, क्योंकि जब इतनी बड़ी शराब पी रहे परमात्मा के ज्ञान की मदहोश करने वाली, तो ये छोटी मोटी शराब कहां लगती है। तो पिएगा शाम को तो सुबह उतर जाएगी, अरे मूर्ख पीले हरिनाम का प्याला, तेरी खुमारी कभी भी नहीं जाएगी। शराबी कौन है, शराबी तो हम हैं, कौन शराब पी सकता है। भगवान के प्रेम की शराब पिए मस्त रहते हैं, टट्टे एकदम नशे में चूर, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मस्त हैं, कभी भगवान के ज्ञान की बात करते हैं, तो कभी प्रेम की बात करते हैं, तो कभी नाचते हैं, तो कभी खाते हैं, हैं? इसलिए जिसकी जैसी मति है उस हिसाब से भगवान के गुणानुवाद वो गाता है। जिसका जितना हो चल यहां पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिंदगी भक्ति का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी अज्ञान का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। इसलिए इस अज्ञान के सागर को पार करना है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें साक्षी का ध्यान सिखाता हूं, मुक्त हो जाओ, आत्मज्ञान प्राप्त। शिव, ये प्रवचन यही, अगला तीसरा अध्याय अगले प्रवचन मिलेंगे। शिव।